बसमिल्लामी अल्लाम आल फिश फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश कहते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूअर तमाम मेरे सब्सक्राइबर जो खैर उफियत से होंगे और खुशबाश होंगे तो दोस्तों आज मैं मंडी में मौजूद हूँ चनाब फिश मंडी जो कि जलालपुर हफ्बाबाद रोड पे मौजूद है तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये मछली का पेट चाक कैसे किया जाता है तो आप पहले देख लें ये मंडी है चनाब मछली मंडी इसके ऑनर है सफदर हुसैन और शाहिद रहमान तो ये दोस्तों मछली का पेट चाक किया जा रहा है इसमें थोड़ी सी अंतड़ियाँ जो मछली के है वो सिर्फ़ निकाली जाती हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं निकाला जाता तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे ये एक फ़िश का डाला जो है शाज़र डाला ये मछली का लोड हो आया है अभी ये डाला खोलेंगे हम आपको दिखाएंगे और हमारे साथ रहिएगा तो दोस्तों दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं एक रक्शे वाला बर्फ़ लेके आया है ये बर्फ़ और मछली का पुराना रिश्ता है क्योंकि मछली जो है वो बर्फ़ के बग़ैर नहीं रह सकती इसका गोश खराब होने का ख़तरा होता है इसलिए फार्म से मछली निकालने के बाद भी इसे बर्फ़ लगा के फार मछली मंडी तक लाया जाता है अभी इसका डाला खोलेंगे तो आपको मछली भी दिखाएंगे इसमें रहू और मराखी है इसका साइज तकरीबन एक के जी तीन पाव के करीब है ये आप देख सकते हैं ये भी खोल रहे हैं डाला तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको मछली मंडी की मुकम्मल रूटीन जो दिखा रहा हूँ और साथ बिता भी रहा हूँ मछली को छांटी कैसे किया जाता है मछली को वज़न अलहदा कैसे किया जाता है ये तमाम आज मैं आपको बताने वाला हूँ तमाम चीज़ें यह भी डाला खुलेगा और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं फिश के ऊपर मछली के ऊपर इस वक्त भी बर्फ़ मौजूद है ये डाला खोल दिया गया है जी ये आपको मछली काफ़ी बड़ी नज़र आ रही होगी लेकिन ये एक के जी से ज़्यादा नहीं है उसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर अपडेट वीडियो आप तक पहुंचती रहे फिश मंडी में 750 ग्राम से जो कम मछली होती है वो उसका वज़न आधा आधा किलो में गिना जाता है और सात ग्राम से जो ज़्यादा होती है उसका वज़न तीन पाव में गिना जाता है और हज़ार ग्राम से जो ज़्यादा होती है उसका वज़न एक के जी गिना जाता है अगर हज़ार ग्राम से एक ग्राम भी कम हो तो वो तीन पाओ में वज़न गिना जाता है मंडी में मछली उतारने का तरीका यही होता है आपने इससे परेशान नहीं होना कि कैसे जूतों और टांगों के साथ ये मछली उतार रहे हैं इसकी खलड़ी आपको पता है जब मछली को बनाया जाता है इसकी खलड़ी उतारी जाती है और इसे बाद में दोबारा वाश भी किया जाता है इस बात की आपने कभी भी टेंशन नहीं लेनी तो दोस्तों मैं समझता हूँ जो छोटे फार्मर हैं मसलन जिन्होंने एक एकड़ दो एकड़ या पाँच एकड़ तक फ़िश फार्म बनाया वो कभी भी मछली अपनी मंडी में ना लेके आए वो कहीं उधर अपने स्टाफ पे या अपने शहर में कोई फटा लगवा कर उधर सेल करें तो वो बेहतर रहेगा या खुद होटलों पे सेल करें तो उसको अच्छी इनकम हासिल हो सकती है और जो दोस्त बड़े फार्मर हैं जो वो फिश मंडी में मछली उनकी मजबूरी होती है वो ले आ सकते हैं और उन्हें मंडी में ही लानी चाहिए क्योंकि वो वैसे बेच नहीं सकते तो दोस्त एक बात और आपसे शेयर करता जाऊं कि जो कमीशन के हवाले से बात है कि मंडियों वाले कमीशन बहुत ज़्यादा लेते हैं ये तो भाई है मंडी में कोई भी मंडी है उसमें आठ परसेंट कमीशन ली जाती है और ये जो मछली मंडी है चनाब मछली मंडी इसमें चार परसेंट कमीशन जो है फ़िश फार्मर से ली जाती है और दो परसेंट जो दुकानदार इस मंडी से लेके जाते हैं मछली उनसे ली जाती है अभी तक इनकी ये रूटीन है शायद ये भी बाद में बढ़ा दें कोई बात कही नहीं जा सकती लेकिन फ़िलहाल इनका कमीशन के हिसाब से यूँ ही रेट चल रहा है कुछ दोस्त मुझे बहुत सारे सवाल करते हैं मछली ख़रीदने के हवाले से जो फटे लगा के मछली बेचते हैं शहरों में वो सवाल करते हैं कि मछली कहाँ से ख़रीदें कहाँ से सस्ती मिलेगी या मछली के रेट क्या होंगे मछली का रेट एक नहीं होता मछली का रेट रोज़ाना की बेस पे तब्दील होता रहता है कम और ज़्यादा होता रहता है तो इसलिए मैं मछली के रेट के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि अगर मैं बताऊं कि सात हज़ार इस वक्त रेट है वन केजी का तो बाद में आप अगर किसी से किसी और मंडी में से चेक करें तो उधर अठारह सौ होगा या छाठ सौ होगा तो फिर आप कहेंगे कि साहेब पंजाबी ने हमसे झूठ बोला है ऐसी बात नहीं है भाई मैं किसी से झूठ नहीं बोलता और मुझे ज़रूरत भी क्या है मैं कौन सा खुद बेच रहा हूँ तो इस मंडी के ये ऑनर हैं सफर हुसैन इनका नाम है आप मछली ख़रीदने के मामलों में या मछली बेचने के मामलों में इनसे रबता कर सकते हैं इनका नंबर उस बोर्ड पर लिखा है जो मैंने पहले आप दिखाया आपको दिखाया है और मैं आपको एक बार दोबारा इनका नंबर दिखा देता हूँ आपका ताकि आप इनसे रबता कर सकें ये देख सकते हैं ये शाहदान का भी नंबर लिखा है सफ़दर हसैन थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको तसली हो जाए नंबर के हवाले से आपको कोई डाउट ना रहे ये देख सकते हैं जी ये है सफ़दर हुसैन इनका नंबर है और साथ ही शाहद्रहमान इनका भी नंबर अख्तर हसैन साकी और मोहम्मद शहबाज़ ये आप देख सकते हैं इनका नंबर है किसी भी नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं इनसे बातचीत कर सकते हैं मछली ख़रीदने के हवाले से या मछली बेचने के हवाले से और ये मछली तलाई भी करते हैं इनकी शॉप है सामने मेन रोड पे और इनकी बहुत अच्छी रेसिपी है दूसरी वीडियो में आप चेक कर सकते हैं तकरीबन पाँच छः दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उसमें इस मंडी की रेसिपी जो है दुकान की रेसिपी वो मैंने आपसे शेयर की थी तो दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि मछली छांटी किस तरह की जाती है मछली का जो वज़न है तीन पाव अलगा करने का एक के जी करने का तो ये तरीका है मछली मंडी में कंडा साथ रख के एक एक मछली का वजन चेक करके अलहदा किया जाता है इसमें तीन साइज़ हैं आधा किलो है तीन पाव है और वन के जी है ये इकट्ठी कर रहे हैं अभी तीन पाव और वन के जी ये इकट्ठी कर रहे हैं और और हाफ के जी वाली वो साइड पे है अभी इस तरीके से ये इसका वज़न करेंगे वज़न करके ये मुकम्मल अलहदा कर देंगे अलीहदा करने के बाद फिर इसका वज़न किया जाएगा और मंडी में जो भी मछली बेचता है उससे बताल के हिसाब से वज़न लिया जाता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे अल्लाह हाफिज